ठीक है सर। आज है एकादशी का त्यौहार, तो हम वही पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब दीप उप जलाएंगे और पूजा करने के बाद ये सारे दीप जला लिए हैं हम। अब पूजा वूजा करने के बाद मेरा बेटा और मैं दोनों लोग एक साथ पूजा करके फिर पूरे घर में दिए हुए हम लोग रखेंगे, और एक दिया वहीं एकादशी महाराज के पास वहीं छोड़ देंगे। आप लोग भी पूजा कर लीजिए, और उसके बाद पूरे घर में वो चावल का लेप से हाथ का छाप देना होता है, दरवाजे पे, सिल पे, हर जगह हाथ का छाप देना होता है। उसके बाद से पूरे घर में दिए हुए रख के हम लोग, उसके बाद से मैं चली आई गाजर का हलवा बनाने। उसके बाद से मैं ये गाजर का हलवा बना रही हूँ, व्रत हूँ मैं आज। उसके बाद से ये गाजर का हलवा बना रही हूँ, और आप लोग से कह रही हूँ कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरा हलवा हो रहा है तैयार, इसलिए मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। ये देखिए मेरा गाजर हो रहा है बिल्कुल लाल, बिल्कुल लाल हो जाएगा मेरा गाजर। तो फिर मैं उसमें अपना जो मेरी मम्मी ने भेजा है, मेरी मम्मी ने बना के भेजा है, ये नाम ही भूल जाती हूँ मैं, खोआ बना के मेरी मम्मी ने भेजा है, तो वो इसमें डालूंगी मैं। और आज मैं व्रत हूँ एकादशी का। सब सबको पता होगा कि कल तो पारण एक ही बार करना है, या तो एक बार करिए या तो पांच बार करिए, या तो पारण एक बार करके फलहार खाइए। तो कहाँ कहाँ ऐसा होता है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तक इनको भूनने देती हूँ मैं, आती हूँ। हलवे में ज़्यादा सा मैंने वो डाल दिया है खोया, ताकि जल्दी से खोया ख़त्म हो सके। तो ये खोया डाल के मैं अपना हलवा बना चुकी हूँ, और ये मेरा हलवा हो गया है तैयार। प्लीज़ आप लोग भी आइए खाइए। कैसा हुआ है? वैसे कुछ मैं डाली नहीं हूँ इसमें ज़्यादा कुछ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाली हूँ। आइए आप भी खाइए एक बार। ऐसे हलवा मेरा हो गया है तैयार, मैं जा रही हूँ खाने अपना व्रत मतलब पूरा करने। हलवे में देखा है आपने, कुछ नहीं डाला लेकिन फिर भी